स्मार्ट भारत के लिए स्मार्ट गांव का सपना साकार कर रहा है एक युवक। पहले आईएएस बनकर जिले को संवारने का देखा सपना, मगर नहीं मिली सफलता। आईएएस का सपना नहीं हुआ पूरा, तो अब अपने गांव को संवारने का उठाया जिम्मा। कहते हैं कि शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। ऐसा ही कुछ जीता जागता उदाहरण उन्नाव जिले में देखने को मिला, जहां एक युवक ने पहले अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आईएएस बनने का सपना देखा। युवक ने मन लगाकर पूरी पढ़ाई की, मगर आईएएस का सपना पूरा नहीं हो सका। अच्छी नौकरी की उम्मीद से दिल्ली गया, मगर कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि युवक ने हार नहीं मानी, आईएएस का सपना भले ही पूरा नहीं हुआ, मगर अब युवक ने अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर अपने गांव के आसपास के युवाओं को ही संवारने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों के साथ मिलकर एक आईएएस कोचिंग शुरू की है, जिसमें आर्थिक रूप से तंग छात्र छात्राओं को फ्री में शिक्षा मिल रही है। आप पढ़ाओ, कौन इसमें कौन पढ़ाएगा? पढ़ाओ। जो गरीब बच्चे आर्थिक तंगी या किसी और कारणवश अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब उनके सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास शुरू हो गया है। अपनी शिक्षा को हथियार बनाने वाले इस युवक का नाम है अनुराग त्रिवेदी। उन्होंने खुद आईएएस बनने का सपना देखा था, मगर वो नए भारत के स्मार्ट विलेज बनाने की परिकल्पना को साकार करने में जुट गए हैं। अनुराग पीएम मोदी के स्मार्ट गांव वाले संकल्प से प्रेरित होकर एक ऋतु फाउंडेशन बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। अपने फाउंडेशन के जरिए अनुराग ग्रामीण बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, साथ ही कई गाँव में उन्होंने अपना पुस्तकालय भी खोल दिया है। पढ़ाई के साथ साथ गाँव की लड़कियों को स्पोर्ट्स के लिए भी प्रेरित कर रहे आगे। हमारे यहाँ अनुराग सर आते हैं और हम लोग को ट्रैक सूट और शूज देकर मतलब खेलने की तरफ उत्साहित करते हैं, और खेल के साथ साथ शिक्षा भी देते हैं। और हमें रनिंग बहुत पसंद है, हम पीटी उषा जैसा बनना चाहते हैं। आज गांव का आलम यह है कि हर लड़की अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का सपना देख रही है। अपने खेल के आदर्श खिलाड़ियों की तरह देश के लिए खेलने का सपना देख रही हैं, जिस काम को करने के लिए सरकार ने प्रशासन को जिम्मेदारी दी है, उसी काम को अनुराग त्रिवेदी ने अपना एक मिशन बना लिया है। हमारा उद्देश्य गांवों को खड़ा करना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और श्रद्धेय नानाजी देशमुख का जो उद्देश्य था ग्रामोदय का, ग्रामोदय की परिकल्पना के साथ हम लोगों ने गाँव को खड़ा करने के लिए काम शुरू किया। ग्रामोदय के अंतर्गत हमारे तीन मुख्य थीम हैं। पहला, गाँव में शिक्षा का विकास, शिक्षा आधुनिक शिक्षा नीति के हिसाब से हो, मूल्यपरक शिक्षा हो। उसके लिए हम लोगों ने पुस्तकालयों के निर्माण किए, जहां पर हम लोग स्मार्ट शिक्षा भी दे रहे हैं, डिजिटल क्लासेस चला रहे हैं। हमारे गांव में बेटियों की, महिलाओं की को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके खेल से लेकर के उनके रोजगार तक का प्रबंध, और उसके साथ साथ हम लोगों ने किसान पाठशालाएँ शुरू कराई हैं, जहाँ पर हम लोग किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं जैविक खेती के लिए, आदरणीय भारत भूषण त्यागी जी के सहयोग से। अनुराग त्रिवेदी की ये मुहिम बाकी जिलों के उन युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो युवा आईएएस की परीक्षा में नाकाम होने के बाद अपने सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे युवाओं को अनुराग त्रिवेदी ने दिखा दिया है कि भले ही जिला न सही, अपनी शिक्षा को हथियार बनाकर गांव को स्मार्ट तो जरूर बना सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।